तो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि ड्रैगन को इजीली कैसे मारना है। तो सबसे पहले ये वाली आप जगह जो देख रहे हैं छोटी वाली इवेंट पे, तो यहाँ पे आपने जस्ट देखो ये वाला जो सर्कल बना हुआ है, ये जहाँ पे भी आप देखो ये चार पांच इवेंट है, यहाँ पे आपने लैंडिंग करनी है। तो भाई यहाँ पे लैंडिंग जैसे ही करनी है तो मैं आपको जगह बताता हूँ, वहाँ पे आपने डायरेक्ट वहीं पे उतरना है अगर आपने ड्रैकुला को मारना है, ये ड्रैगन को मारना है। तो भाई जैसे ही यहाँ पे देखो लैंडिंग हो चुकी है, लैंडिंग होने के साथ ही जो भी भाई मेरे चैनल पे न्यू है उनसे गुजारिश है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो भाई चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई ये देखो मैं लैंडिंग हो चुका हूँ और जस्ट आपने क्या करना है, ये वाली जो गुफा दिख रही है मैं आपको सर्कल में बता देना हूँ, ये वाली देखो ये वाली जो गुफा है यहाँ पे आपने लैंडिंग करना है, डायरेक्ट अंदर चले जाना है। देखो जैसे ही आप यहाँ पे अंदर जाएंगे तो सीधा ही आपने जाना है, वो देखो मेन जो है आपको सामने पेटी नज़र आएगी जो सामने पड़ी है बिल्कुल वो वाले यानी कि वुड वर्क के सामने। तो भाई यहाँ से आपने पहले लैंडिंग करनी, तो भाई इजीली मारना है यहाँ पे आपको ये वाली पेटी के सामने खड़े हो जाना है और यहाँ पे आपको ये देखो आपको मार्क करके दिखाता हूँ कि ये वाली जो चीज़ है ड्रैगन हॉर्न ये आपको मिल जाए। तो भाई कुछ देर आपने वेट करना है क्योंकि इसका टाइमर होता है, जैसे ही टाइम ये देखो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। तो भाई ये अभी कह रहा है कि हॉर्न बजा के आप ड्रैगन के पास डायरेक्ट जा सकते हैं और गेट ओपन हो सकता है। तो ये हॉर्न बजाना स्टार्ट करते हैं तो पॉप शुरू हो गया है। तो अभी ये हॉर्न बजा के ये देखो गेट ओपन हो चुका है। तो भाई इसमें मेन चीज़ ये है आपने गन अच्छी वाली लेनी है और भाई बाकी हर चीज़ फेंक दो, कोई भी स्मोक नेट वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ एमओ आपने उठानी है। और एमओ उठाने के बाद अब देखो यहाँ पे आ चुके हैं, इंटर हो चुके हैं। तो जैसे ही इंटर होते हैं भाई मैं आपको रास्ता भी बता देता हूँ कि कहाँ से जाना है। तो ये देखो भाई डायरेक्ट हम जा रहे हैं ड्रैगन के पास बगैर कोई लूट किए, क्योंकि लूट भी इसमें काफ़ी है। तो ये वाली आप जगह देख रहे हो, ये वाला रास्ता आपने इसी रास्ते से आना है और सीधा ही सीधा आपने ड्रैगन के पास पहुँच जाएंगे भाई। ईजीली है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। जो भी भाई नए बंदे जो हैं जो भाई सोच रहे हैं कि ड्रैगन मारना बहुत मुश्किल है, तो भाई कोई भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है, कोई भी आपको इसमें दिक्कत नहीं है, यानी कि आप इजीली इसको मार सकते हैं। अब यहाँ से सीधा ये देखो ये गेट आ चुका है ड्रैगन का, तो इसको ओपन करते हैं। और आपको ये देखो मैं पहले ओपन हो चुका है तो मैं थोड़ा सा हीलिंग कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखो मेरे टीममेट ने मुझे कहा है कि भाई सबसे पहले हमें वहाँ पे जो आइस क्यूब लगे हुए हैं उनको तोड़ के वहाँ पे एमओ रिलीज़ कर देनी, क्योंकि एक जगह पे रुकना नहीं है। मेन बात मेन आपको ये बात बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे रुकना नहीं है, अगर रुके तो समझो आप गए, आपने यानी कि मूवमेंट आपकी चलाती रहनी है। तो यहाँ पे देखो मैंने भाई सारे जो ये आइस क्यूब है इनको तोड़ दिया है, इनको तोड़ने से ये मतलब ये है कि एमओ आपको यहाँ से मिलेगी। अभी आ गया है भाई ये देखो ड्रैगन, तो इन पर भाई हमला होना शुरू हो चुका है। तो ये देखो भाई थोड़ा सा मैं नज़दीक हो गया तो इसलिए मुझे डैमेज हुआ, वरना आपने अगर ये गोल सर्कल के बाहर आप घूमते रहो और इस पर फायर करते रहो तो ये भाई आपको कुछ भी नहीं कर सकता, यानी कि आप इजीली इनको मार सकते हो, बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है। यानी कि नए बंदे भाई जिनको ये पता नहीं है कि भाई ये ड्रैगन तो एक जगह पे भाई एकदम से ख़त्म कर देता है। तो भाई देखो आपको कोई भी मैं स्किप करके नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको यानी कि जो क्लियर है वीडियो वही आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर देखो एमओ भी आपको यहीं से मिल सकती है और भाई इसको आप यानी कि M249 आपने उठा लेनी है, यही है कोई भी गन हो, लेकिन मेरी मर्ज़ी ये है कि मेरी जो राय है M249 उठा लो, दो हो तो वो बेहतर है, नहीं तो एक भी सही है, आप उससे फायर करते जाएं, रुकना नहीं है, बस ये है कि रुकना कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो हम दोनों भाई जो हैं भाई एक साथ ड्रैगन पर हमला किया हुआ है और ड्रैगन बिल्कुल कन्फ्यूज़ और बहुत ही भाई गुस्से में, गुस्सा तो ड्रैगन को आप देख ही सकते हो भाई, टक्कर मार रहा है बिल्कुल, यानी कि आंवला बावला हो चुका है भाई ड्रैगन। ये देखो भाई इसका सर्कल जो बन रहा है ना ये जो ब्लू वाला, तो ये भाई अपनी यानी कि पावर मार रहा है और भाई ये देखो झटके जो दे रहा है ज़मीन पे, ये भी भाई उसका पावर है, यानी कि आधी इसकी हीलिंग अभी चले जा चुकी है। और अभी एमओ भी देखो भाई, एमओ भी काफ़ी कम बची है, लेकिन मरता बहुत लेट से यार, ये है इसमें भाई काफ़ी यानी एनर्जी है और भाई काफ़ी तगड़ा है ड्रैगन दिया हुआ है, यानी कि आप सोलो में भी इजीली इसको मार सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपने भाई रुकना नहीं है, बस चलते रहना है, चलते रहना और फायर करते रहना है। M249 दो उठा लो और भाई अपनी मूवमेंट चलाते रहो, एक जगह पे रुको नहीं, रुकोगे तो भाई ये आपको तगड़ा यानी कि आपको लोबी भेज सकता है। तो भाई ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है इसमें। शुरू शुरू में जो बंदा खेलेगा उसको भाई पता नहीं होगा, तो वही
ये वाली वीडियो देख के आपको इजीली लग जाएगा कि ये भाई इतना मुश्किल नहीं है। देखो भाई ड्रैगन की अभी मौत आने वाली है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि भाई आपके भाई के पास ख़त्म हो चुकी है एमओ। तो भाई अभी देखो, मैंने टीममेट को कहा भाई लास्ट वाला बंदा जो है मैंने मारना है, लेकिन मेरे टीममेट के पास भी एमओ नहीं है, तो इसीलिए एमओ ढूंढने के लिए भाई मुझे मिल चुकी है। तो फाइनली अभी रिलोड करते हैं और इस वाले ड्रैगन को भाई आखिरी यानी कि आखिरी जो जगह है इसको भेजना चाहें तो ये अब भेज देते हैं। लेकिन देखो मेरे टीममेट पे भाई ये काफ़ी गुस्सा दिखा रहा है, टक्कर मार रहा है, लेकिन ये देखो फाइनली आपके भाई ने इसको ख़त्म कर दिया है। तो भाई कैसी लगी वीडियो, और भाई ये वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और ये वाली पेटी आप देखो मरने के बाद ड्रैगन के यानी उसके बाद ये वाली पेटी मिलती है, और इसमें काफ़ी ही बढ़िया आपको लूट मिलेगी, और लूट के साथ साथ भाई काफ़ी यानी कि आप तगड़ी लूट मिलती है। तो लूट करें यहाँ से और चलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।